Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. अब तक जमाल की हालत तश्वीशनाक हो चुकी थी। ये देखकर सुनहरी ने टेबल के नीचे से इनहेलर को निकालने की कोशिश की, मगर वो उसकी उंगलियों की पहुंच से बहुत दूर था। अपना दिमाग चलाते हुए सुनहरी ने अपने बालों से एक पिन निकाली और उसकी मदद से इनहेलर के स्ट्रैप को क्लिप करके बाहर निकाल लिया। पंप लेते ही जमाल की जान में जान आई। कुछ देर बाद जब उसने होश संभाला तो उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, जिसके मुताबिक अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। जमाल फौरन उठ खड़ा हुआ और उसने गार्ड की बेल्ट से पिस्टल निकाल ली। जमाल की आंखों में खून उतर आया था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था अस्वद, मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। मेरी जान बचाकर तुम सबने अपनी मौत को दावत दी है, क्योंकि अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं नहीं जीता तो तुम में से भी किसी को जीतने नहीं दूंगा, या आर या पार। और सबसे पहले मैं तुम्हें जहन्नुम रसीद करूंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश? जमाल ने अस्वद की पेशानी पर निशाना तान कर पूछा। सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ, वो डसना नहीं छोड़ता। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इन दोनों को जाने दो, अस्वद ने अहमर और सुनहरी की तरफ देखते हुए कहा। जरूर, क्यों नहीं मेरे दोस्त, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम दोनों जा सकते हो। जमाल की ये बात सुनकर अहमर फौरन अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकल गया। जाने से पहले सुनहरी ने आखिरी बार उन दोनों की तरफ देखा, कमरे का दरवाजा खोला और निकलने से पहले कहा, लाइट्स ऑफ। पलक झपकते ही कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया और जमाल ने घबराकर चारों तरफ फायर करना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से एक गोली अस्वद को लग गई। अस्वद की चीख और जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर जमाल ने लाइट्स ऑन करने का हुक्म दिया। यहाँ लाइट्स ऑन हुई और वहाँ टाइमर ऑफ हुआ। जमाल ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और बा आवाज़े बुलंद कहा, इन्विजिलेटर साहब, मैं जीत गया। इससे पहले कि जमाल अपनी जीत का जश्न मनाता, दरवाजा खुला और सुनहरी अंदर दाखिल हुई। तुम? जमाल ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा। हैरान मत हो जमाल, मैं तो कभी कमरे से बाहर गई ही नहीं थी। तुम जीतने के लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि तुमने ये बात नोटिस ही नहीं की कि मैंने दरवाजा खोला तो था, लेकिन मैं पूरी तरह बाहर नहीं निकली थी। मेरा एक पैर कमरे के अंदर ही था। मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मैं अब भी इस टेस्ट का हिस्सा हूँ, मगर इन्विजिलेटर से बात करने की इस गलती पर तुम अब डिस्क्वालिफाई हो चुके हो, सुनहरी ने मुस्कुराते हुए समझाया। सुनहरी की ये बात सुनकर जमाल हक्का बक्का रह गया। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने तो टाइम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर से बात की है। टाइम अभी खत्म नहीं हुआ जमाल, अब भी 5 मिनट बाकी हैं। वो देखो, सुनहरी ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। घड़ी को देखकर जमाल सकते में आ गया। ये कैसे हो सकता है? जमाल ने सटपटा कर पूछा। तुम्हें याद है जब कलीम से घड़ी गिर गई थी? गिरने की वजह से टाइमर रीसेट हो गया था और तब से ये घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है। इससे पहले कि जमाल इस बात को समझ पाता, गार्ड ने आकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब सुनहरी उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। तूफान अब थम चुका था, मगर पहेली नहीं सुलझी थी। उसने चारों तरफ अफसोस के साथ देखा। कागज के जले हुए टुकड़े और बिखरे हुए कांच के बीच उसे कलीम का चश्मा फर्श पर पड़ा हुआ नजर आया। उसने झुककर चश्मा उठाया। अचानक उसके जहन में एक बात आई। उसने कलीम का चश्मा लगाया और अपने पर्चे को उठाकर गौर से देखा। कलीम का चश्मा पहनते ही
उस कोरे कागज पर लिखा हुआ सवाल रोजे रोशन की तरह सुनहरी के आगे आया हो गया। सवाल पढ़कर वो धीरे से मुस्कुराई। इतने में टाइमर ऑफ हुआ और इन्विजिलेटर अंदर आ गया। इन्विजिलेटर को देखकर सुनहरी खुद एतमादी के साथ उसके सामने गई और कहा, नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। ये जवाब सुनकर इन्विजिलेटर ने दांत देते हुए कहा, शाबाश सुनहरी, द टेस्ट इज ओवर। पर्चे को देखते हुए सुनहरी ने कहा, आप तो हमें पहले ही सवाल बता चुके थे। टेस्ट शुरू होने से पहले आपने कहा था कि हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या आपका कोई सवाल है? बस हम ही समझ नहीं पाए, ना आपकी बात और ना कलीम का इशारा। बहुत देर कर दी हमने, सुनहरी ने चश्मे को उतार कर टेबल पर रखते हुए कहा। इतने में दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। कलीम, तुम? सुनहरी ने चौंक कर कहा। कलीम को देखकर सुनहरी हैरान हो गई। आई एम द सीईओ ऑफ कोड ब्लू फार्मास्यूटिकल्स। कलीम ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, हमें इस जॉब के लिए एक ऐसे कैंडिडेट की तलाश थी जिसका दिल साफ हो, जो जहीन और मेहनती होने के साथ साथ हमदर्दी करना भी जानता हो, क्योंकि इस एहसास के बिना इंसानियत की खिदमत करना मुमकिन नहीं है। यू हैव पास द टेस्ट एंड सिक्योर्ड द जॉब। कंग्रेचुलेशंस सुनहरी। थैंक यू सर, लेकिन मैं ये जॉब नहीं ले सकती, सुनहरी ने अस्वत की लाश की तरफ देखते हुए कहा। एक तरफ आपकी कंपनी लोगों को नई जिंदगी देती है और दूसरी तरफ टेस्ट के नाम पर मासूम बेकसूर लोगों की जान ले लेती है। ये कैसा घटिया मजाक है। फिक्र मत करो सुनहरी, अस्वत बिल्कुल ठीक है। उसको लगने वाली गोली असली नहीं थी, ये बायोटेक्नोलॉजी से बनी एक खास दवा है जो बिल्कुल बुलेट की तरह लगती है। इससे कुछ घंटों के लिए आदमी बेहोश हो जाता है और फिर ये दवा जिस्म में जाकर अंदरूनी चोटों की मरम्मत करती है। अस्वत को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कलीम ने सुनहरी को तसल्ली दी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूछा, सो आर यू रेडी? सुनहरी ने इत्मीनान के साथ हाथ मिला लिया। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।